If the sum of n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1. ठीक, तो हमें first term हमें find out करना है. What is the sum of first two terms? ठीक, sum of first two terms हमको find out करना है. What is second term? Second term भी हमें पता करना है. Similarly, find third, tenth and nth term. तो हमें क्या करना होगा? Third term, tenth term and nth term. ये हमको find out करने होंगे. तो देखिए, सबसे पहले इस question को solve करने के लिए आपकी book में एक formula है. मेरे ख्याल से एग्जाम्पल में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो शायद वो फॉर्मूला हो सकता है, बट मैंने तो आपके एनसीईआरटी बुक में ये फॉर्मूला नहीं देखा है. अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स, लेट सपोज एसएन अगर आपको कुछ गिवन है, एसएन अगर आपको कुछ दे रखा है और आपसे एनएथ टर्म अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक, अगर आपसे एनएथ टर्म आपसे पूछ रहा है तो देखिए ये आपका Tn आपका हो जाएगा. अगर Sn गिवन है और Tn पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1. ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है. ठीक, और मान लीजिए अगर आपसे इसमें T2 अगर पूछ रहा है, ठीक, T2 अगर पूछ लेता है तो ये आपका हो जाएगा S2 माइनस S1. T3 आपसे पूछेगा तो आपका हो जाएगा S3 माइनस S2. T4 आपसे अगर पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा S4 माइनस S3. ठीक, इस टाइप से होता है. तो ये आपके टर्म्स आपके इस तरीके से कैलकुलेशन में आपके निकल करके आते हैं. ठीक है, अच्छा सवाल है ये, बहुत ही आपका क्वेश्चन. और इसके लिए अगर आप सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म वही होगा जो फर्स्ट टर्म होगा. सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म एक ही बात है. तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. तो देखिए, sum of n terms is given by Sn is equal to 4n minus n square. ठीक, तो हमसे बोल रहा है what is first term. ठीक, तो first term निकालेंगे. तो आपका यही आपका S1 भी हो जाएगा, यही आपका A भी हो जाएगा, यही आपका A1 भी हो जाएगा. कहीं कहीं पर A भी इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं. ठीक, बट मैं यहां पर इसको A1 मैं ले रहा हूं. तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, N की जगह पर हम 1 रखेंगे तो ये आपका 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर. तो देखिए आपका ये आ जाएगा 3. ठीक है, तो आपका ये जो S1 इज इक्वल टू A1, ये आपका क्या आया है, 3 आ गया है. ठीक, तो ये तो आपका फर्स्ट टर्म आपका ये यही आ गया है. ठीक है, और अगर आप सेकेंड टर्म, ठीक, सेकेंड टर्म अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, सेकेंड टर्म के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म आपको कैलकुलेट करना होगा. टर्म H2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर. तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4, तो ये आपका हो जाएगा 4. ठीक है, तो ये आपका H2 आपका 4 आ गया. ठीक है, और ठीक, सम, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म. ठीक, सेकेंड टर्म आपसे पूछ रहा है. ठीक, सेकेंड टर्म आपसे पूछ रहा है तो ये सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म आपका A2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा S2 माइनस S1. ठीक, तो अब आप यहां से देख सकते हैं S2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और इसकी वैल्यू जो S1 की वैल्यू है वो आपकी 3 आई है. तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म. ठीक, तो थर्ड टर्म अगर हम निकालेंगे तो पहले हमें S3 हमें पता होना चाहिए, सम ऑफ थर्ड टर्म हमें पता होना चाहिए. तो S3 निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे तो ये S3 इज इक्वल टू आपका 4 इंटू 3 माइनस आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 9, तो ये आपका हो जाएगा S3 इज इक्वल टू आपके 3 हो गया यहां पर. ठीक, और
S4 आपका क्या हो जाएगा, S4 आपका हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए आपका थर्ड टर्म, थर्ड टर्म A3 आपका हो जाएगा S4 माइनस S3। ठीक, तो अब देखिए आपका S4 आपका आया है 0 और S3 आपका आया है कितना, ठीक, S3 आपका आया 3। ठीक, तो ये आपका हो गया है -3। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है थर्ड, टेंथ टर्म भी आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो जो आपका टेंथ टर्म आपका हो जाएगा, टेंथ टर्म निकालने के लिए पहले हमें आपको क्या निकालना होगा, पहले आपको S9 निकालना होगा, ठीक है, फॉर टेंथ टर्म। ठीक है, ठीक, टेंथ टर्म के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको S9 आपको पता होना चाहिए। तो देखिए S9 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 81, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा। तो S9 निकाल चुके हैं, तो अब हमें चाहिए होगा S10। ठीक, S10 जब हम निकालेंगे तो ये आपका क्या है, आपका जो Sn इज इक्वल टू आपको दे रखा है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए S10 आपका हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस 100। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 60। ठीक, माइनस 60 हो जाएगा, तो आपका टेंथ टर्म A10 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा S10 माइनस S9। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, S10 है आपका माइनस 60 माइनस S9 है आपका माइनस 45। ठीक, तो ये आपका हो गया माइनस 60 प्लस 45। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 15, माइनस 15 हो गया। ठीक, अब देखिए nth टर्म के लिए सॉल्व करेंगे, फॉर nth टर्म, तो देखिए nth टर्म के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए Sn आपको कितना गिवन है, Sn है आपका 4n माइनस n स्क्वायर, तो Sn माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक, तो आपका जो nth टर्म, ठीक, nth टर्म An इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा Sn माइनस 1। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अब देखिए Sn की वैल्यू हमें ये पता है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, और ये आपका हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी nth टर्म की वैल्यू आ रही है। ओके, तो ये an की वैल्यू आ रही है हमारी, तो अब आप देख सकते हैं 4n माइनस n स्क्वायर, और देखिए इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 4n माइनस 4, और ये आपका हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब इसके अंदर जो भी हमारा एड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो पहले वो हम कर लेते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहां से कि ये आपका हो जाएगा 6n। ठीक है, ये आपका हो पा रहा है 6n हो रहा है। ठीक, 6n, और ये आपका हो रहा है माइनस एन स्क्वायर, और ये आपका हो रहा है माइनस 5। ठीक है, माइनस एन स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस 6n प्लस एन स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 5। ठीक, तो आप देख रहे हैं एन स्क्वायर से एन स्क्वायर आपका कैंसिल हो जा रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2n जो आपका आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, an आ रहा है।